रेस्टोरेंट जैसा कलर, रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं बटर चिकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुक विद अर्चना। आज हम लोग बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो चिकन लिया है जिनको अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें मैं 4 चम्मच दही मिक्स कर रही हूँ। नॉर्मल दही है, खट्टी दही नहीं है। 1 चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे, 1/2 चम्मच इसमें चिली पाउडर मिक्स करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला मिक्स कर रही हूँ, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स करेंगे, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच इसमें मक्खन यूज करेंगे मींस बटर, 1/2 नींबू का रस ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक मिक्स करेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। हमारे अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब इनको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमारे चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल मिक्स किया है। अब यहाँ कुछ मसाले मिक्स करेंगे हम। ये कुछ मसाले हैं, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 15 से 20 काजू, 2 लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1/2 इंच दालचीनी का, 5 से 6 काली मिर्च दाने और 2 लौंग, इन सबको इसके तेल के अंदर मिक्स कर देंगे। लेंगे अच्छे से मिला लेंगे। इसी के साथ इसमें मैं 2 बड़े प्याज रफली चॉप किया हुआ ऐड कर दूंगी। इसी के साथ मैं 4 टमाटर रफली चॉप किया हुआ मिक्स कर दूंगी और इनको अच्छे से मिला लेंगे। 1/2 कप पानी मिक्स करेंगे जिससे हमारे टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए प्याज टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको एक बार अच्छे से चला लेंगे। एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मिक्स कर देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई गर्म होने को रख दिया है। यहाँ इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल मिक्स करेंगे और जो चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था वो इनके अंदर मिक्स कर देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को ऐड कर दिया है, अब इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे कि इनको ढककर नहीं पकाना है, इन्हें ऐसे ही ओपन में पकाना है। चिकन हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। चलते हैं अब इसकी ग्रेवी बनाने। अलग कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल मिक्स किया है और 1 चम्मच बटर, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कश्मीरी मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे और 1/2 से कम थोड़ी सी हल्दी। अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो इनके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मिक्सी जार में 1/2 कप पानी मिक्स करके इस ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे। एक उबाल आने तक वेट करेंगे। ग्रेवी में जब उबाल आ जाएगा तो इसमें हम कसूरी मेथी मिक्स करेंगे। इस तरह से हम क्रश करके डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिक्स करेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम जब ग्रेवी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। ⅓
आप देख सकते हैं इनका कलर कैसा आया हुआ है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे हम। अब इसमें मैं 6 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है ग्रेवी हमारा। अब इसमें मैं 2 चम्मच टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें हम 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ढककर। 20 मिनट के बाद बटर चिकन हमारा रेडी हो चुका है। इनको एक बार अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारीक कटा हुआ हरदर मिक्स कर देंगे इनके अंदर। दीजिए बटर चिकन हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अब इन्हें हम सर्व करते हैं। सच माने देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में ये उतना ही टेस्टी भी है। ऊपर से डेकोरेटिंग के लिए मैं 1 चम्मच बटर मिक्स कर दिया है। थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिक्स कर दिया है। देखिए बिल्कुल लग रहा है जैसे आपने रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर किया है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी है, बिल्कुल सही टेक्सचर, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। कर रहा है ना मन आपका भी खाने का? तो चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।